क्वेश्चन ये है कि यूनिफॉर्म सेमी सर्कुलर पेपर के सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। ये गिवन है कि इस यूनिफॉर्म सेमी सर्कुलर पेपर को कोड ए बी के अबाउट फोल्ड करने पर जो सर्कुलर सेगमेंट है वो एक्स एक्सिस को पॉइंट पी पर टच करता है। ए बी का लेंथ √26 मीटर के इक्वल है और पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट 1,0 है। तो इसको प्रोसीड करते हैं। तो हम ऑलरेडी जानते हैं कि ये जो यूनिफॉर्म सेमी सर्कुलर पेपर है इसका सेंटर ऑफ मास वाई एक्सिस पे लाई करेगा और उसका कोऑर्डिनेट 0,4r/3π के इक्वल होता है। मतलब हमें सिर्फ आर की वैल्यू फाइंड करनी है और उसमें पुट करना है। तो क्वेश्चन में जो कंडीशन गिवन है वहाँ से हम आर की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कोड ए बी है और इस कोड के अबाउट इस सेमी सर्कुलर पेपर को फोल्ड करने पर ये जो सर्कुलर सेगमेंट है वो एक्स एक्सिस को पॉइंट पी पर टच करता है। मतलब ये जो सर्कुलर सेगमेंट है वो फोल्ड होने के बाद कुछ ऐसे आ जाएगा। ठीक है, तो फोल्ड होने के बाद जो सर्कुलर सेगमेंट है वो कुछ इस तरह से हो जाएगा और इस सेगमेंट एक्स एक्सिस को पॉइंट पी पर टच कर रहा है। ठीक है, क्या करते हैं कि ये जो सर्किल है उसको कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो ये सर्किल कंप्लीट हो गया। अगेन एक्स एक्सिस इस सर्किल का टेंजेंट है पॉइंट पी पे, तो कन्फर्म है कि पॉइंट पी पर जो नॉर्मल होगा वो इस सर्किल के सेंटर से पास करेगा। ठीक है, तो हम पॉइंट पी पे नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। तो ये नॉर्मल हो गया, मान लेते हैं सर्किल का सेंटर यहाँ पे कहीं है। ठीक है, लेट दिस इज ओ डैश। ठीक है, अब क्या करते हैं कि ओ डैश को ज्वाइन करते हैं। ठीक है, लेट अस ज्वाइन ओ डैश, ये रहा। ठीक है, पी का कोऑर्डिनेट 1,0 है तो ये जो लेंथ है वो 1 मीटर के इक्वल होगा। ठीक है, अगेन मान लेते हैं कि सर्किल का रेडियस स्मॉल आर के इक्वल है, तो यहाँ पर सेमी सर्किल और कंप्लीट सर्किल दोनों का रेडियस सेम होगा। ठीक है, तो ओ डैश से पी तक ये सर्किल का रेडियस होगा। ठीक है, अगेन ओ डैश की वैल्यू हम पैथागोरस थ्योरम से लिख सकते हैं। ठीक है, सो फ्रॉम ट्रायंगल ओ डैश ओ पी, ये 1 है ये आर है, तो ओ डैश की वैल्यू हो जाएगी √1² + r². ठीक है, बिकॉज दिस एंगल इज 90 डिग्री, ये जो एंगल है वो 90 डिग्री। ठीक है, अगेन क्या करते हैं कि ओ डैश को पॉइंट बी से ज्वाइन करते हैं ऐसे। ठीक है, अगेन इस पॉइंट को मान लेते हैं कि पॉइंट क्यू है। ठीक है, और यहाँ पर पॉइंट क्यू ए बी का मिड पॉइंट होगा और ओ डैश ए बी को नॉर्मली बाइसेक्ट करेगा। हम जानते हैं कि दो सर्किल अगर इंटरसेक्ट कर रहा है, इसको मान लेते हैं सी वन, इसको मान लेते हैं सी टू, सी वन का सेंटर यहाँ पे कहीं है मान लेते हैं ओ, सी टू का सेंटर यहाँ पे कहीं है मान लेते हैं ओ डैश, और ये जो है वो दोनों का कॉमन कोड है। अब हम ओ डैश को ज्वाइन करते हैं। ठीक है, तो ओ डैश कॉमन कोड को नॉर्मली बाइसेक्ट करता है, मतलब ये जो एंगल है वो 90 डिग्री होगा
और ये लेंथ दोनों इक्वल होगा। लेकिन यहाँ पर ये लेंथ और ये लेंथ दोनों इक्वल नहीं होगा, क्योंकि दोनों सर्किल का रेडियस अलग अलग है। लेकिन अगर दोनों सर्किल का रेडियस सेम हो जाए, उस केस में ये लेंथ और ये लेंथ भी इक्वल हो जाएगा। और यहाँ पर सेमी सर्किल और सर्किल दोनों का रेडियस सेम है, क्योंकि जो सर्किल है वो सेम रेडियस के सर्कुलर सेगमेंट से बना है। तो कन्फर्म है कि सेमी सर्किल और सर्किल दोनों का रेडियस सेम होगा। मतलब कन्फर्म है कि यहाँ पर जो पॉइंट क्यू है वो ए बी का मिड पॉइंट तो है ही, और साथ में ओ ओ डैश का भी मिड पॉइंट है। ठीक है, अब हम ट्रायंगल ओ डैश क्यू बी को कंसीडर करते हैं। ठीक है, दिस इज ओ डैश, दिस इज क्यू, दिस इज पॉइंट बी। ठीक है, यहाँ पर ये एंगल 90 डिग्री है। ठीक है, दिस एंगल इज 90 डिग्री। अगेन ओ डैश क्यू, ओ डैश ओ का हाफ है। ठीक है, सो वी हैव ओ डैश क्यू इक्वल टू हाफ ऑफ रूट अंडर 1 प्लस आर स्क्वायर। अगेन क्यू बी ए बी का हाफ है। ठीक है, सो वी हैव क्यू बी इक्वल टू हाफ ऑफ रूट अंडर 26। और ओ डैश बी सर्किल का रेडियस है। ठीक है, क्योंकि पॉइंट बी सर्किल पर है, ओ डैश सेंटर है, सो वी हैव ओ डैश बी इक्वल टू रेडियस ऑफ द सर्किल। ठीक है, सो लेट अस अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। सो वी हैव आर स्क्वायर इक्वल टू दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, दैट इज 1 प्लस आर स्क्वायर बाई 4 प्लस 26 बाई 4। ठीक है, सो दिस इम्प्लाई दैट 4 आर स्क्वायर इक्वल टू ये हो जाएगा 27 प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, सो दिस इम्प्लाई दैट 3 आर स्क्वायर इक्वल टू 27, सो दिस इम्प्लाई दैट आर इज इक्वल टू 3 मीटर। तो ये आर की वैल्यू हो गई। ठीक है, सो वी हैव कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस यूनिफॉर्म सेमी सर्कुलर पेपर इक्वल टू 0, आर की वैल्यू 3 पुट करते हैं, ये हो जाएगा 0.4 बाई पाई। ठीक है, तो ये आंसर हो गया और इस तरह से ये सॉल्यूशन हो गया। थैंक यू।